चेल्सी होस्ट लिवरपूल ऑन ट्यूसडे नाइट एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। लास्ट सीजन में जहां ये एक टॉप फोर में आने का क्लैश था, वहीं इस सीजन ये फाइट एक मिड-टेबल क्लैश बन गया है। चेल्सी ने अपना लास्ट मैच एस्टन विला के अगेंस्ट खेला था और इस मैच में उन्हें एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं लिवरपूल को मैनचेस्टर सिटी ने 4-1 के स्कोर से हराया था। ये सीजन दोनों ही टीम्स के लिए एक बुरे सपने की तरह जा रहा है। चेल्सी 38 पॉइंट के साथ अभी 11th पोजीशन पे है प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पे, तो वहीं लिवरपूल 42 पॉइंट्स के साथ 8th पोजीशन पे है प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पे। दोनों ही टीम्स के लिए लास्ट वीक काफी बेकार गया है प्रीमियर लीग में, तो चलिए बात करते हैं कि इस मैच में कौन सी टीम बाजी मारेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम चेल्सी की, जो कि अपने होम कंडीशन में आज खेलेगी लिवरपूल के अगेंस्ट। चेल्सी अपने लास्ट मैच में एस्टन विला के अगेंस्ट हारने के बाद बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में पहुंच गई है और इस रिजल्ट के बाद चेल्सी ने मैनेजर ग्रैहम पॉटर को भी सैक कर दिया है। पॉटर सिर्फ 206 दिन ही चेल्सी के मैनेजर थे और जिनमें उन्होंने सिर्फ 7 प्रीमियर लीग मैचेस ही जीते हैं 22 में से। पॉटर 8 सितंबर 2022 को चेल्सी के मैनेजर अपॉइंट किए गए थे जब चेल्सी ने थॉमस टकल को सैक किया था, और चेल्सी के फैंस और ओनर्स यही चाहते थे कि ग्रैहम पॉटर ब्राइटन में जैसे कोच करते थे, जैसे टैक्टिक्स थी उनकी, जैसे परफॉर्मेंस देते थे, वैसे ही सेम परफॉर्मेंस वो चेल्सी के लिए दें, बट ऐसा नहीं हो पाया और सिर्फ 7 महीने के बाद ही उन्हें कोच के पद से हटा दिया गया। चेल्सी के पास मैनेजर की लिस्ट देखें तो चेल्सी के कोचेस हमेशा से ही मैसिव पर्सनैलिटी रहे हैं, चाहे वो होजे मोरिनो हो, एंटोनियो कोंटे हो या थॉमस टकल हो। मैं काफी शॉक था जब चेल्सी ने थॉमस टकल को सैक किया था। टकल ने अपनी 20 महीने में चेल्सी को 3 ट्रॉफी जितवाई थी, जिसमें से एक चैंपियंस लीग की ट्रॉफी भी थी, और चेल्सी 5th पोजीशन पे थी प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल में जब टकल को सैक किया गया था। मेरे हिसाब से टकल को तो और टाइम देना चाहिए था, वो एक अच्छे कोच थे, आपने खुद अपने आंखों से रिजल्ट देखा, 3 ट्रॉफी से चैंपियंस लीग, तो मेरे हिसाब से टकल को और टाइम देना चाहिए था चेल्सी को। ग्राहम पॉटर को चेल्सी 21 मिलियन यूरो में ब्राइटन से चेल्सी लाई थी और इसके बाद उन्हें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और काफी इन्वेस्टमेंट भी करी गई। और अगर आप 2 ट्रांसफर विंडो में 550 मिलियन यूरो खर्च करवाते हैं और रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि चेल्सी अभी 11th पोजीशन पे है प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पे, तो फिर डेफिनेटली आपको एक सब भुगतान अपनी जॉब से ही देना होगा। ब्रूनो साल्टर को अभी चेल्सी का इंटरिम कोच बनाया गया है जब तक कोई परमानेंट मैनेजर नहीं मिल जाता, और कोच बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं बायर्न के फॉर्मर कोच जूलियन नागेल्समैन। ब्रूनो साल्टर का सबसे पहला टास्क ये रहेगा आज की चेल्सी को आज मैच जितवा के बॉटम ऑफ द टेबल से बाहर निकाले। चेल्सी की टीम की न्यूज की बात करें तो विंगर रहीम स्टर्लिंग शायद मैच खेल पाएंगे। स्टर्लिंग ने लास्ट 3 मैचेस मिस करे हैं ड्यू टू थाई इंजरी। डिफेंडर वेस्ले फोफाना भी इस मैच में अवेलेबल हो सकते हैं। फोफाना लास्ट मैच एस्टन विला के अगेंस्ट नहीं खेला था ड्यू टू हैमस्ट्रिंग इंजरी। गोलकीपर एडवर्ड मेंडी एंड स्ट्राइकर ओबामेयांग नहीं खेलेंगे इस मैच पे, वो भी दोनों इंजरी से जूझ रहे हैं। बात करते हैं लिवरपूल की। लिवरपूल ने अपना लास्ट मैच मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हारे थे बाय 4-1 स्कोर, और इस हार के बाद लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप ने ये कहा था कि ये हार उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। ये हार लिवरपूल की 3rd कंसेक्यूटिव हार है इन लास्ट 3 मैचेस अगेंस्ट सिटी, रियल मैड्रिड एंड बॉर्नमाउथ, और अभी लिवरपूल 8th पोजीशन पे है प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पे। 2023 लिवरपूल के लिए काफी खराब जा रहा है। लिवरपूल ने सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं 13 में से इन ऑल कॉम्पिटिशंस, और तो और लिवरपूल के इस बार एक भी ट्रॉफी जीतने का कोई चांस नहीं है। वो चैंपियंस लीग से बाहर हो चुके हैं, एफए कप से बाहर हो चुके हैं, प्रीमियर लीग के वो 8th पोजीशन पे, तो इस सीजन कोई चांस नहीं है लिवरपूल का कोई भी कप जीतने में। एंड नाउ द प्रॉमिस ऑफ यूरोपा लीग फुटबॉल इज द ओनली थिंग कीप देम गोइंग। एक इंटरेस्टिंग स्टैट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब से यर्गन क्लॉप लिवरपूल के कोच बने हैं, तब से 2015-16 से, तब से लिवरपूल अभी तक एक बार भी टॉप 4 के बाहर फिनिश नहीं किया है, पर अब लगता है ये रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। टीम न्यूज की बात करें लिवरपूल की तो लुइस डियाज, सैंटियागो अलकांत्रा अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच में, उन दोनों को इंजरी है, वो काफी टाइम से लिवरपूल की नहीं खेले हैं, तो शायद इस मैच में भी वो ना उतरे। लिवरपूल एंड चेल्सी ने इस सीजन के फर्स्ट लेग में 0-0 से ड्रॉ खेला था प्रीमियर लीग में, जो कि एनफील्ड में हुआ था। इस मैच में माइकलो मुद्रियाक ने डेब्यू किया था चेल्सी के लिए। लिवरपूल वर्सेस चेल्सी लास्ट 5 मीटिंग की बात करें तो ये पांचों ड्रॉ रहे थे, जितने भी 5 मैच हुए हैं अब तक लास्ट 5 मीटिंग जो चली है लिवरपूल वर्सेस चेल्सी के, वो पांचों मैच ड्रॉ रहे थे। ये फिक्स्चर लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप के लिए उनका 1000वां गेम होगा उनके मैनेजरियल करियर में, और चेल्सी के स्कीपर सेसर एस्पिलिक्वेटा अगर आज का मैच खेले तो ये इनका 500 अपीयरेंस होगा चेल्सी के लिए इन ऑल कॉम्पिटिशन। अब बात करते हैं इस मैच की प्रेडिक्शन की।
दोनों टीम्स की रिसेंट फॉर्म को देखते हुए मुझे लगता है कि इस मैच में लिवरपूल बाजी मार सकता है। लिवरपूल का फॉर्म काफी शानदार रहा है चेल्सी के ऊपर इन रिसेंट टाइम्स, और पॉइंट्स टेबल में भी चेल्सी से ऊपर है लिवरपूल। एंड लिवरपूल हैव आल्सो वन 13 ऑफ द लास्ट 14 मिडवीक प्रीमियर लीग गेम्स इंक्लूडिंग ईच ऑफ द लास्ट 9 इन अ रो सिंस 1-0 लॉस टू लिस्टर इन दिसंबर 2021। और आज का मैच भी मिडवीक में ही है, तो लिवरपूल का थोड़ा एडवांटेज होगा आज के मैच में अगेंस्ट चेल्सी। वहीं चेल्सी की बात करूं तो चेल्सी हैव वॉन जस्ट 3 ऑफ देयर लास्ट 13 मिडवीक प्रीमियर लीग गेम्स, और 2023 में चेल्सी ने दोनों ही मिडवीक प्रीमियर लीग गेम्स हारे हैं। लिवरपूल भले ही अच्छी टाइम से नहीं गुजर रही है, पर उन्होंने इन फॉर्म मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-0 से हराया था कुछ ही वीक्स पहले, तो ये डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा यर्गन क्लॉप और उनके बॉयज को। आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीत सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।